दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जब हम किसी बिजनेस की रियल प्रैक्टिकल अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो उस बिजनेस में हमें बैंक से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों ये हम सारी बातें प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, वाउचर के साथ हम सारी बातें सीखेंगे भी। हम ओरिजिनल बिजनेस में जब हम किसी बिजनेस की रियल अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो हमें बैंकिंग से रिलेटेड कौन कौन सी एंट्रियां करनी पड़ सकती है। तो ये सारी बातें आज दोस्तों हम इसको सीरीज वाइज हम सीखेंगे, जैसे कि कैश डिपॉजिट एंट्री है, कैश विड्रॉ की एंट्री हमें किस प्रकार करनी है, अगर हम बैंक के द्वारा पेमेंट करते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन तो उसका ट्रीटमेंट हम किस प्रकार करते हैं, करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करना या सेविंग अकाउंट से हमें करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना, करंट अकाउंट से लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना। तो अक्सर ये इस टाइप की जो ट्रांजेक्शन्स है वो बड़े बड़े बिजनेस में चलती रहती है। तो ये ट्रीटमेंट होता कैसे है, इनकी एंट्री हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस प्रकार कर सकते हैं, तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, नॉलेजेबल भी है, तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, साथ पर ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कैश डिपॉजिट करवाने की एंट्री को। कैश डिपॉजिट करवाने की जो एंट्री होती है उसे हम टैली में किस प्रकार से एंट्री करते हैं। तो हम टैली पे चलेंगे, अकाउंटिंग वाउचर पर जाएंगे और उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से कॉन्ट्रा वाउचर, यानी कि F4 का हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट हम करेंगे कैश को, अगर हम कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं तो। अब जैसा कि हमने स्लिप में देखा भी हमने 40,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवाना है, तो हम यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे 40,000 रुपये की और उसके बाद में डेबिट। अब डेबिट किसको करेंगे, उस बैंक को हम डेबिट करेंगे जिस बैंक में हमने पैसा है जो डिपॉजिट करवाया है। अब आपका ये करंट अकाउंट भी हो सकता है, सेविंग अकाउंट भी हो सकता है या फिर आपका लोन अकाउंट हो सकता है। अब मान लीजिए हमने ये करंट अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराया है तो हम करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और उसके बाद में ये जो आपकी डिटेल्स है सारी रुपीज़ की वो हम डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि हमारे पास 500 के 80 नोट हमने डिपॉजिट कराए हैं और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैश डिपॉजिट। अब आपके पास ये कैश डिपॉजिट आपने खुद ने भी जमा करवाया हो सकता है या फिर आपने मान लीजिए आपने किसी अपने कस्टमर्स को सेल किया था, वो किसी अदर मतलब इस जगह पे रहता है तो वहाँ से हो सकता है उसने आपके खाते के अंदर ये कैश डिपॉजिट करवाया है, तो आप इसको नरेशन में लिख सकते हैं भी कैश डिपॉजिट बाई कस्टमर या आप उसका कस्टमर का यहाँ पर नाम हम दे सकते हैं ताकि हमें पता रहे भी ये जो 40,000 रुपये कैश डिपॉजिट हुई है ये हमने हमारी तरफ से जमा नहीं कराई, हमने हमारे कस्टमर में डायरेक्ट ही कैश डिपॉजिट करवा दिया, उसको हम सेव करेंगे। और तो ये थी हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश डिपॉजिट करवाने की और उसके बाद में कैश विड्रॉ करने की यानी कि पैसा निकलवाने की। तो अब इस मान लीजिए हमने पैसा जो हमारे करंट अकाउंट से ही अभी पैसा जो हमने विड्रॉ किया है तो इसकी एंट्री के लिए हम वापस कॉन्ट्रा में जाएंगे। अब कॉन्ट्रा में जस्ट इसका एंट्री का अपोजिट हो जाएगा। अब हम वापस बैंक को करेंगे क्रेडिट, हमारी हमारा जो बैंक में हमने 20,000 रुपये विड्रॉ किया है तो 20,000 रुपये हम बैंक को तो करेंगे क्रेडिट। अब उसके बाद में आपने इसके लिए कौन सा चेक नंबर यूज़ वगैरह किया वो सारा चेक की डिटेल हम यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आपने इसके लिए ATM यूज़ किया है तो आप उसका ट्रांजैक्शन का जो भी नंबर है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। और डेबिट हम करेंगे कैश को और इसलिए हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं भी ये जो पैसा है आपने खुद विड्रॉ किया है या फिर आपने किसी अपने सप्लायर्स को चेक दिया था उसने विड्रॉ करवाया है, तो ये सारी ट्रांजैक्शन हम इस नरेक्शन में लिख सकते हैं उसकी डिटेल्स, ताकि हमें इन फ्यूचर जब भी हम बैंक स्टेटमेंट को मिलान करें तो हमें सारी बातें अच्छी तरीके से याद रह जाए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर भी कैश विड्रॉ भाई आपका जो भी सप्लायर्स है उसका आप नाम लिख सकते हो, अगर आपने सप्लायर्स को चेक दिया है सेल्फ का तो सेव करेंगे। उसके बाद जो थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारे पास वो है बैंक पेमेंट एंट्री, यानी कि अगर हमने किसी को बैंक के द्वारा पेमेंट करी है तो अब ऑफलाइन या ऑनलाइन। अब ऑफलाइन का मतलब आपने सिर्फ चेक के द्वारा पेमेंट किया यानी कि उसको चेक दिया और बाद में चेक के थ्रू आपके खाते में से पेमेंट है जो निकली है, तो उसकी चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो एंट्री करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो वापस हम इसके लिए हम जाएंगे पेमेंट वाउचर में और पेमेंट वाउचर में जाने के बाद हम इसका चेक का नंबर यूज़ करते हैं, जैसा कि हमारे पास इस तरीके से बैंक ऑफ इंडिया का चेक होगा और जो जिस पार्टी को भी हमने यहाँ पर चेक के द्वारा पेमेंट करी है उस पार्टी का सप्लायर्स का उस कंपनी का नाम हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अमाउंट और ये हमारा चेक नंबर रहेगा। तो अब मान लीजिए जैसे कि हम इसी चेक की एंट्री हम करते हैं तो ये चेक नंबर हमारा 210-101 नंबर चेक है, तो हम 210-101
और उसके बाद में डेबिट, हम डेबिट करेंगे उस पार्टी को जिस पार्टी को हमने चेक का जो भुगतान किया है। अब जो भी आपकी पार्टी है उसको हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। अब मान लीजिए हम राम एंड कंपनी को यहाँ पर एक सेलेक्ट करते हैं, हालांकि चेक की विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी को है, ये हमने एज ए एग्जाम्पल के तौर पर इसकी चेक को आपको डिस्प्ले करवाया है, ताकि ये यहाँ पर सेम इसी तरीके से जो हमारी एंट्री हम कर रहे हैं राम एंड कंपनी का, तो राम एंड कंपनी का नाम यहाँ पर होगा। तो जो अमाउंट हमने पे करी है उसकी अमाउंट, और उसके बाद में यहाँ पर उस बैंक का नाम देना पड़ेगा कौन से बैंक के थ्रू हमने ट्रांजेक्शन करी है। तो हमने जैसे मान लीजिए करंट अकाउंट से इसका पैसा ट्रांसफ़र किया है, तो करंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। और उसके बाद में जो चेक की डिटेल है वो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में नरेशन में आपने ये चेक बाई हैंड ये कोई इस कंपनी का एम्प्लॉय लेके गया था या कोई अकाउंटेंट लेके गया था, मैनेजर लेके गया था, तो ये सब कुछ डिटेल्स हम इसके नरेशन में लिख सकते हैं और इस वाउचर को भी करेंगे सेव। तो ये थी हमारी बैंक के द्वारा पेमेंट करने की। अब मान लीजिए हमने बैंक के द्वारा जो पेमेंट करी है वो ऑनलाइन करी है, ऑनलाइन यानी कि नेट बैंकिंग भी हो सकता है, फ़ोनपे भी हो सकता है, यूपीआई पेमेंट भी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर जो अभी चेक नंबर हमने यहाँ पर डाला था उसकी जगह हमें उसका जो यूटीआर नंबर ट्रांजेक्शन का जो होता है वो डालना होगा। अब जैसा कि हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, जैसे कि हमने ये एक पेमेंट करी हुई है, तो इस स्थिति के अंदर जो हमारे पास ये जो ट्रांजेक्शन्स के नंबर होते हैं, यूटीआर नंबर जिसको हम बोल देते हैं, यूपीआई नंबर है या यूटीआर नंबर जो भी, उसको हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम जब भी नेक्स्ट पेमेंट पार्टी के साथ इसके अकाउंट स्टेटमेंट को मिलान करें तो यूटीआर नंबर के साथ हम इजिली इसको मिलान कर सकें। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स होती है हम जो भी पेमेंट के कार्ड के थ्रू या फिर यूपीआई पेमेंट के थ्रू करते हैं उसका यूटीआर नंबर हमें मिलता है, जैसे कि यूपीआर है या फिर डेबिट नंबर जो भी आपके मैसेज के अंदर रेफरेंस में आता है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो उसकी डिटेल हम डाल देंगे, पास आ रहा है तो उस बैंक के थ्रू, तो उसकी एंट्री हम किस प्रकार करेंगे? तो ये भी आपके पास दो तरीके से आ सकती है बैंक रिसिप्ट, यानी ये ऑफलाइन भी हो सकती है या फिर ऑनलाइन। ऑफलाइन का मतलब आपके कस्टमर ने आपको चेक के द्वारा पेमेंट करी है, ऑनलाइन का मतलब आपके कस्टमर ने आपको यूपीआई के द्वारा पेमेंट करी है, गूगल पे, फोनपे, पेटीएम, इस कुछ भी ऐप के द्वारा या नेट बैंकिंग से। तो एंट्री करने का भी तरीका वो बिल्कुल दोनों का सेम है। तो इसके लिए रिसिप्ट का हम यूज करेंगे, तो रिसिप्ट के लिए हम यहाँ पर चाहें तो इसका जो हमारा वाउचर नंबर है इसको मैनुअल कर सकते हैं ऑटोमेटिक से। तो मैनुअल करने के लिए वापस हम गेटवे टेली पर जाएंगे, अल्टर पर जाएंगे, वाउचर टाइप पर जाएंगे और इसमें से यहाँ से रिसिप्ट वाउचर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको कर देंगे मैनुअल और कंट्रोल ए के साथ विंडो को एक्सेप्ट करेंगे, वाउचर पर जाएंगे। अब आप देख रहे हो रिसिप्ट के अंदर हम यहाँ पर उसका चेक नंबर या फिर उसका जो यूटीआर नंबर है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब आपका जो कोई कस्टमर है, मान लीजिए आपने उसका चेक उसने दिया आपको 1417 जो 6 डिजिट का हमारा चेक नंबर होता है, और उसके बाद में उस कस्टमर को हम सेलेक्ट करेंगे जैसे कि एबीसी इंटरप्राइजेज हैं, और एबीसी इंटरप्राइजेज को हमने उन्होंने हमें 5000 रुपये की पेमेंट करी है, और अगेंस्ट रेफर में उसका इन्वॉइस नंबर हम एडजस्ट कर सकते हैं। और डेबिट हम करेंगे उस बैंक को जिस बैंक के अंदर ये पैसा हमारा आया है। अब मान लीजिए ये पैसा हमारा सेविंग अकाउंट में आया है, तो हम यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया और सेविंग अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में उसका जो भी यूटीआर नंबर वगैरह है, कौन से बैंक के थ्रू उसकी पेमेंट हमारे पास आई है, तो वो सारी डिटेल यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं और इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से अगर आपके पास यूपीआई के थ्रू पेमेंट आती है तो सेम ट्रांजैक्शन आप यहाँ पर उसका यूटीआर नंबर यहाँ पर टाइप करोगे और उसके बाद में कस्टमर को आप क्रेडिट करोगे, और उसके बाद में आप अपने उस बैंक को सेलेक्ट करोगे जिस बैंक के अंदर आपका पैसा आया है। तो दोनों में ट्रांजेक्शन का एंट्री करने का जो तरीका वो बिल्कुल सेम है, लेकिन हम नरेशन में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस कर सकते हैं, चेक नंबर की बजाय हम यूटीआर नंबर या किसी और अकाउंट के थ्रू आपके पास पैसा है। मान लीजिए आपके पास कस्टमर है एबीसी इंटरप्राइज, जैसे कि हमने अभी इनको पेमेंट हमने इनसे रिसिप्ट करी है एबीसी इंटरप्राइज से। अब मान लीजिए इनके खुद के पास कोई यूपीआई हम यूज नहीं करते हैं, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी से आपके अकाउंट के अंदर पैसा डलवाया है, तो आप क्रेडिट तो एबीसी इंटरप्राइजेस को करेंगे, लेकिन ये कौन से अकाउंट के थ्रू आया ये सारी डिटेल हम नरेशन में मेंशन कर सकते हैं ताकि हमें ये याद रहे। और उसके बाद में एंट्री रहेगी भी करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है। अब हम एक बार करंट अकाउंट का और सेविंग अकाउंट का बैलेंस हम चेक कर लेते हैं, तो आपको कॉन्ट्रा वाउचर में ही पता चल जाएगा।
आप कॉन्ट्रा वाउचर में जाओगे, करंट अकाउंट को सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर डिटेल दिख जाएगी भी आपके करंट अकाउंट में अभी जो बैलेंस पड़ा है वो 83,373 रुपये पड़ा है। और उसका हम यहाँ पर सेविंग अकाउंट को अगर सेलेक्ट करेंगे तो सेविंग अकाउंट में आपको यह बात दिखाएगा भी 10,000 रुपये आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में आपका बैंक का बैलेंस पड़ा है आपके बुक्स के अकॉर्डिंग। तो अब हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो है भी करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है। तो इसकी जो ट्रांजेक्शन यानी कि करंट अकाउंट से यानी कि पैसा निकलेगा करंट अकाउंट से, तो करंट अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट और पैसा कहाँ जा रहा है सेविंग अकाउंट में, तो सेविंग अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। तो इसके लिए जो क्रेडिट सेविंग अकाउंट यानी कि सेविंग अकाउंट में पैसा जा रहा है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट। मान लीजिए हमने 4,4500 रुपये की ट्रांजेक्शन करी है तो 4,500 रुपये। अब यहाँ पर अगर आपने चेक के थ्रू ट्रांसफ़र करी है तो चेक का नंबर, या फिर आपने किसी ऐप के थ्रू नेट बैंकिंग के थ्रू ये पैसा ट्रांसफ़र करी है तो उसका जो UTI की जो डिटेल है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद में हम वापस डेबिट करेंगे HDFC सेविंग अकाउंट को। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन रहेगी करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की। इसमें क्या होगा, बैंक ऑफ इंडिया जो करंट अकाउंट है वो क्रेडिट होगा और बैंक ऑफ इंडिया जो सेविंग अकाउंट है वो डेबिट होगा। तो अब यहाँ पर देख रहे हो इसका जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिक बढ़ गया, पहले 10,000 रुपये शो कर रहा था अब ये 14,500 हो गया क्योंकि इसमें 4,500 रुपये अब और डेबिट कर दिया। और उसकी इसी तरीके से जो हमारी ट्रांजेक्शन एंट्री है करंट अकाउंट से लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना, तो यानी कि अभी इस कंडीशन में भी करंट अकाउंट का जो लेजर है वो भी क्रेडिट होएगा। मान लीजिए हमने 1,500 रुपये लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं तो अब बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट क्रेडिट होगा और बैंक ऑफ इंडिया लोन का अकाउंट है वो डेबिट होगा। यानी कि हम कॉन्ट्रा में इस तरीके के ट्रांजेक्शन जो बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन हमें करनी होती है हमारे खुद के जो बैंक हो वो इस तरीके से हम कॉन्ट्रा वाउचर में इसकी एंट्री करते हैं। तो हम यहाँ पर भी इसका जो चेक का नंबर या फिर आपके जो UTI का जो ट्रांजेक्शन नंबर है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं और इसको भी हम करेंगे एक्सेप्ट। तो इसी तरीके से अब अगर आपका लोन अकाउंट से करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर आपको करना है तो उस स्थिति में हम बैंक ऑफ इंडिया के लोन अकाउंट को तो क्रेडिट करेंगे। मान लीजिए हमने 500 रुपये पैसा ट्रांसफर करना है तो 500 रुपये हम क्रेडिट करेंगे और उसके बाद में HDFC करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो अभी यहाँ पर देख रहे हो जो लोन अकाउंट का जो बैलेंस है वो 1,000 रुपये रह गया जबकि 1,500 रुपये था, तो ये 500 रुपये वापस अभी जो लेप्स हो जाएगा। और इस तरीके से इसका भी जो भी ट्रांजेक्शन का नंबर है उसकी जो डिटेल्स है हमने किसी लिए पैसा ट्रांसफ़र किया तो ये सारी डिटेल्स हम इस नरेशन में मेंशन कर सकते हैं और इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम रियल बिजनेस के अकाउंटिंग में इस तरीके की जो बैंकिंग से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो अक्सर चलती ही रहती है। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।